नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2022 के 40 सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइंस को पढ़ेंगे। और यह जो है YouTube पर एक नई शुरुआत है। आज तक आप प्रतिदिन का करंट अफेयर घंटों तक सुनते थे, लेकिन यहां पर मैं हेडलाइंस के माध्यम से पूरे महीने का करंट अफेयर 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। और ये सभी हेडलाइंस ऐसे हैं जो पूरे दिन राष्ट्रीय स्तर के समाचार चैनलों पर चलते रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हेडलाइंस हैं जो हफ्तों तक चलते रहे। तो आप सोच सकते हैं कि ये हेडलाइंस आपकी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। इससे हमें ये पता चलेगा इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्योंकि YouTube पर ऐसा हेडलाइंस आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, एक एक हेडलाइंस को हम लोग देखते हैं। हेडलाइंस को मैंने ऐसे लिखा है कि जिस दिन की हेडलाइन है उसका डेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे एक तारीख हेडलाइन है, ये 2 तारीख की है। हो सकता है किसी दिन 2 या 3 हेडलाइन हो, किसी दिन का कोई हेडलाइन ना हो। तो हेडलाइन का डेट मेंशन करने से ये हो जाएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कब का है ये सूचना, जानकारी कब की है, ठीक है। तो हम हेडलाइंस को हेडलाइंस की तरीके से पढ़ते रहेंगे। आप ये सोच के सुनिएगा कि ये उसी दिन की न्यूज है, आज ही की न्यूज है, ठीक, उसी दिन की नहीं, आज ही की न्यूज है। और आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन के पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। रेलवे हाथियों को रेलवे लाइनों से दूर रखने के लिए देश भर में मधुमक्खी योजना लागू कर रहा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 244 मेरी सहेली टीम तैनात। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिलों में 50% छूट की घोषणा की। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के 2 सपूतों के साहस के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन अपडेट देने की व्यवस्था शुरू की। भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने। म्यांमा की अदालत ने आंग सान सूची को 4 साल और कैद की सजा सुनाई। जाने माने कन्नड़ लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर पाटिल चंपा प्रसाद का निधन। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जयंती पर पुद्दुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% रहेगी। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन असम पुलिस में उपाधीक्षक नियुक्त किए, ठीक है, डीएसपी। प्रख्यात वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्योहार आज मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम घोषित किया, अर्थात आज का अर्थ हो गया ये 14 जनवरी को मनाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ डेट नहीं लिखा था, लेकिन ये 14 जनवरी की न्यूज है। तो आप ये समझिएगा कि मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है, ठीक है। सेना दिवस के अवसर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के लोंगेवाला में खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के में लक्ष्य सेन ने खिताब जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर कहा कि उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की लौ के साथ
मिलाया गया। मणिपुर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टेमी ब्यूमोंट को आज 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स का खिताब जीता। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जाने माने पुरातत्वविद और इतिहासकार तिरु आर नागास्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया। ढाका में 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कू जंगल फ्रॉम इंडिया ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज का अर्थ हो गया 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया जा रहा है, अर्थात राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया। इससे पहले आपने देखा था कि इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टेमी ब्यूमोंट को 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक, इनको महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, किसको, टेमी ब्यूमोंट को। लेकिन स्मृति मंधाना को क्या चुना गया, स्मृति मंधाना को 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया। इसमें आप डिफरेंस करके रखिएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा, अर्थात 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने विख्यात कथकली नृत्यांगना मिलेना सालविनी के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त। मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। जापान ने एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। एस्ले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का सिंगल्स खिताब जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में पहली मालगाड़ी पहुंचने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब राफेल नडाल ने जीता। तो इस प्रकार जनवरी के कुल 40 सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। और यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ज्यादा उत्साह मिलेगा, जिससे आगे की जितने भी वीडियो हैं उसको हम पूरी उत्साह तत्परता के साथ बना सके। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।